गुड मॉर्निंग। सो बेटा, लास्ट क्लास में क्या स्टडी की थी हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन स्टडी किया था, है ना? प्रॉपर नाउन में क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल या किसी फेस्टिवल या किसी डे, रिवर, मंथ, इन सब का प्रॉपर नेम आ जाए, कोई ना कोई जिनका नाम होता है वो नाम आ जाए, तो वो कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है? तो ये तो हम लोगों ने कल स्टडी किए थे ना। आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था मंथ्स नेम लर्न करना और डेज नेम लर्न करना, और क्या दिया था? ये वाली एक्सरसाइज करना दिया था ना। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट तो कर ली होगी। चलो देखते हैं अपनी वर्क ड्रिल, देखते हैं पहले वर्क ड्रिल। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो प्रॉपर नाउन है, जो कोई ना कोई नाम है ना, वो अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? करूं, आई कॉल माई कैट ब्राउनी। मैं अपनी बिल्ली को क्या बुलाता हूँ? ब्राउनी। ब्राउनी नेम है ना उस बिल्ली का, नेम है तो प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन कर लेंगे। नेम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है, ठीक है? इंडिया गेट इज लोकेटेड इन दिल्ली। इंडिया गेट बेटा, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है ना, हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? इंडिया गेट फेमस है ये, ठीक है? इसका नाम है, जो वो गेट है ना, वो इतना सा जो गेट है उसका नाम है इंडिया गेट। क्या है? प्रॉपर नाउन, हिस्टोरिकल प्लेस है। दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, मतलब एक प्लेस का नेम है दिल्ली, प्लेस का नेम है तो प्रॉपर नाउन है, एंड प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन करना है। माय बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैंने कल क्या बताया? वीक डेज नेम या मंथ्स डे, सॉरी मंथ्स नेम, मंथ्स ऑफ ईयर नेम या वीक डेज नेम किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ क्या, दिसंबर, दिसंबर क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए मंथ तो प्रॉपर नाउन। रोहिणी इज प्लेइंग विद अ डॉल। रोहिणी एक डॉल के साथ खेल रही है। पता चल रहा है ना, रोहिणी एक लड़की का नाम है, पता चल रहा है ना, तो रोहिणी को अंडरलाइन कर लेंगे। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद संडे आता है। मैंने अभी अभी क्या बताया कि वीक डेज नेम होते ना वो प्रॉपर नाउन होते हैं। वीक डेज नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किस में आते हैं? वीक में, वीक डेज नेम है ना ये, तो संडे और सैटरडे ये दोनों प्रॉपर नाउन है, ठीक है? जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, ठीक है? तो जयपुर एक प्लेस का नेम है। क्या है जयपुर? एक प्लेस का नेम है, ठीक है? तो अंडरलाइन कर लो। दिव्या एंड रोहन वेंट टू सी एनिमल्स इन द जू। दिव्या और रोहन दोनों जू गए क्या देखने? एनिमल्स को देखने। प्रॉपर नाउन क्या है? दिव्या एंड रोहन, दिव्या एंड रोहन प्रॉपर नाउन है तो अंडरलाइन कर लेंगे। माई नेम इज एंथनी। माई नेम इज एंथनी, वो अपना नाम बता रहा है। माई नेम इज जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो लिखोगे, मतलब आपका कोई ना कोई नेम तो है ना, इसका भी कोई ना कोई नेम है एंथनी, अंडरलाइन कर लो प्रॉपर नाउन, ठीक है? अब ये एक्सरसाइज देखते हैं जो आपको कल होमवर्क में दी थी मैंने। सिटी, नेम ऑफ ए सिटी, दिल्ली, जी ई एल एच आई, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल होली, एच ओ एल आई होली, डे नेम संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे, मंथ, मंथ नेम जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, रिवर गंगा, जी ए एन जी ए गंगा, नेम ऑफ कंट्री इंडिया, आई एन डी आई ए
इंडिया। कार्टून, कार्टून बेटा टॉम एंड जेरी जैसे, ठीक है ना, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, ठीक है। माउंटेन, माउंटेन कौन सा लिखोगे यहां पर, हिमालय, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रॉपर नाउन, ये जो ब्लैंक्स है ना ये हमें फिल करने हैं प्रॉपर नाउन। इधर हमें बताया हुआ है कि कौन सा नाउन आ सकता है, ठीक है, इधर हमें बताया हुआ है कि कौन सा नाउन आ सकता है। सो आप मुझे बताना, मैं आपको पूछूंगी तो आप मुझे बताना, ठीक है ना। विल यू गो टू डैश नेक्स्ट वीक, सिटी का नेम लिखना है, क्या आप किसी सिटी में जाना चाहोगे नेक्स्ट वीक, किसी भी सिटी में जाना चाहोगे तो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ जयपुर, जे ए आई पी यू आर, जयपुर। माय डॉग्स नेम इज, आपके डॉग का क्या नेम है, क्या नाम है आपके डॉग का, वो आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिखती हूँ जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। डैश इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा, आगरा में क्या लोकेटेड है, बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग है आगरा में, कौन सी बिल्डिंग है, ताजमहल, ताजमहल इज लोकेटेड इन सिटी ऑफ आगरा, ताजमहल है ना, तो टी ए जे एम ए एच ए एल, ताजमहल, ठीक है। We decorate our homes with diyas on, दिया से किस फेस्टिवल पे हम लोग अपना घर सजाते हैं, दिया से दीपक जला के कौन से फेस्टिवल पे करते हैं, दिवाली पे, सो डी आई डब्ल्यू ए एल आई, दिवाली, ठीक है। डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, डे नेम लिखना है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या कौन सा होता है, मंडे होता है ना, मंडे से वीक स्टार्ट होते हैं, M O N D A Y, मंडे, ठीक है। डैश इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का कौन सा मंथ सिक्स्थ मंथ है, करो काउंट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बेटा कौन सा है सिक्स्थ पर, कौन सा है जून, तो J U N E, जून, ठीक है। रोशनी लाइक्स टू स्टडी डैश इन स्कूल, सब्जेक्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है पहले तो ये बताओ, कोई भी हो सकता है ना, तो रोशनी लाइक्स टू स्टडी डैश सब्जेक्ट इन द स्कूल, कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश लिख दें, हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तो इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश, ठीक है। सुनीताज अंकल लिव्स इन डैश, कंट्री का नेम लिखना है, ठीक है, यहाँ किसी भी कंट्री का नेम लिखना है। सुनीताज अंकल लिव्स इन, आपको पहले, आप यहाँ किसी भी कंट्री का नेम लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ इंडिया लिख सकते हैं, यूएसए, यूएसए लिख दें, यू एस ए, यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सो यहां हमारा कंप्लीट होता है फिफ्थ चैप्टर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी भी चीज का नेम हो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सो इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना, ओके, बाय।